नमस्कार, मैं प्रिया। आज 28 सितंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज से 9वीं से 12वीं तक के बिहार के कई स्कूल और कॉलेज में छात्रों की होगी एंट्री। कोविड 19 के माहौल के बीच बंद किए गए स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आज से बिहार के सरकारी स्कूल कॉलेज में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र को जाने की अनुमति होगी। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अपने टीचर से अलग अलग विषयों में मार्गदर्शन देने के लिए छात्रों और अभिभावकों से अनुमति लेकर आ सकेंगे। साथ ही साथ विद्यालय में शिक्षकों ने सभी छात्राओं को उन्हें फोन देकर और राज्य सरकार शिक्षा विभाग के निर्देश से अवगत कराते हुए उन्हें स्कूल आने के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दे दी है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जदयू से जुड़ने के बाद राजनीति हुई शुरू। विधानसभा चुनाव 2020 से पहले बिहार में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता हासिल की। वहीं उनके चुनावी मैदान में उतरने के लिए सांसद ललन सिंह ने बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पूर्व डीजीपी की तरफ से अभी कोई बायोडाटा नहीं दिया गया है, जब देंगे तब सोचा जाएगा। बिहार में कोविड 19 संक्रमण से जान गंवाने वालों की जांच अब करेगी WHO की टीम। बिहार में कोविड 19 संक्रमण से जान गंवाने वालों की जांच WHO की टीम करने वाली है। राज्य के सभी जिलों में WHO की टीम ने संक्रमित मरीजों की जान गंवाने वालों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। टीम कोविड 19 संक्रमण के अलावा जान गंवाने के अन्य कारणों की तलाश करेगी। राज्य में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या 178,882 पर पहुंच गई है, जबकि जान गंवाने वालों की संख्या 850 से ज्यादा है। हालांकि प्रभावित और संक्रमण से जान गंवाने वालों की पूरी जानकारी WHO अपने स्तर पर देगी। BPSC की 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए मांगे गए आवेदन। BPSC में 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू 3 राउंड के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने पुलिस अधीक्षक, जिला समादेष्टा और अधीक्षक राज्य कर, सहायक आयुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी, नियोजन पदाधिकारी, पदाधिकारी वेषण पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पद के लिए आवेदनों की मांग की है। पटना की सड़कों पर चलने लगी CNG बसें। राजधानी पटना की सड़कों पर CNG बसों का परिचालन शुरू हो चुका है। पहले दिन पटना नगर बस सेवा के विभिन्न रूटों पर CNG बसों का परिचालन किया गया। 20 डीजल चालित बसों को CNG कन्वर्ट किया जा चुका है। इन बसों का परिचालन पटना नगर सेवा के 5 रूट पर किया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। जिन 5 रूटों पर बसों का परिचालन होगा, उसमें गांधी मैदान दानापुर बस स्टैंड, गांधी मैदान दानापुर रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान फुलवारी शरीफ, साथ ही साथ गांधी मैदान पटना साहिब रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान पटना विश्वविद्यालय के लिए परिचालित होगा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 178,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1527 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 178,882 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 42, अरवल में 4, औरंगाबाद में 17, बांका में 57, बेगूसराय में 49, भागलपुर में 63, भोजपुर में 12, बक्सर में 8, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 51, गया में 47, गोपालगंज में 53, जमुई में 24, जहानाबाद में 26, कैमूर में 19, कटिहार में 16, खगड़िया में 5, किशनगंज में 38, सराय में 20, मधेपुरा में 57, मधुबनी में 48, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 96, नालंदा में 51, नवादा में 14, पटना में 259, पूर्णिया में 116, रोहतास में 36, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 16, सारण में 51, शेखपुरा में 22, शिवहर में 13, सीतामढ़ी में 17, सिवान में 36, सुपौल में 39, वैशाली में 27, पश्चिमी चंपारण में 32। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 164,537 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 888 लोगों की जान जा चुकी है। आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में खादी मास्क का होगा इस्तेमाल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में खादी मास्क का होगा इस्तेमाल। खादी की मांग नेताओं की पोशाक के लिए अक्सर बिहार में देखने को मिलती थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर भी खादी की मांग थोड़ी बढ़ जाती है। हालांकि चुनाव के मौके पर खादी की मांग बढ़ती देखी जा रही है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी विशेष रूप से खादी की अहमियत बढ़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार कोविड 19 के माहौल में हो रहे चुनाव में मतदान के लिए करीब 8 करोड़ की मास्क की जरूरत होगी। निर्वाचन आयोग ने खादी मास्क को अनिवार्य कर दिया है। इसके जरिए खादी का कारोबार बढ़ने और उसके एक नया जीवन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रंजीता ने स्वास्थ्य सचिव और जिलाधिकारियों को पत्र में निर्देश दिया है कि खादी मास्क स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाएगा। कोविड 19 के माहौल में बिहार के पर्यटन उद्योग को अब तक 10,000 करोड़ का हुआ नुकसान। कोविड 19 के
बाहर बिहार के पर्यटन उद्योग को अब तक 10,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। साझा की गई जानकारी के अनुसार पर्यटन उद्योग का राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वर्तमान में पर्यटन उद्योग अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। कोविड 19 के इस माहौल में बिहार सहित पूरे भारत के पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित कर चुका है। एक अनुमान है जिसके मुताबिक कोविड 19 के कारण बिहार में पर्यटन उद्योग को अब तक 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। पर्यटन व्यवसाय को बिहार सरकार के द्वारा कोई राहत पैकेज न मिलने से भी मनोबल गिरा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चंदन तिवारी की। चंदन तिवारी एक मशहूर फोक सिंगर है जिन्होंने भोजपुरी गाकर लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। चंदन तिवारी का जन्म बिहार के बांका जिले में हुआ था। उनके पिता हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बोकारो में काम करते थे। उन्होंने बीए ऑनर्स की पढ़ाई एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से की थी। भोजपुरी के संस्कार और संस्कृत को बचाए रखने के लिए चंदन तिवारी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भूजल भारत संगीत उत्सव में उन्हें नीदरलैंड के भारतीय समाज द्वारा आयोजित एक लोक उत्सव जो कि एम्स्टरडैम में आयोजित किया गया था वहां उन्हें सम्मानित किया गया था। जदयू ने सशक्त महिला सक्षम महिला का दिया नारा। सितंबर महीने के आखिरी रविवार को डॉटर्स डे के शुभ अवसर पर जदयू ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सशक्त महिला सक्षम महिला का नारा दे दिया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जदयू की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जारी किए गए 1:46 के वीडियो में नीतीश कुमार ने बेटियों की उन्नति के लिए किए गए कार्यों को दिखाया है। बेटियों के लिए खास प्यार जताने के लिए डॉटर्स डे मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर जदयू ने सशक्त महिला सक्षम महिला का वीडियो जारी कर महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश दिया है। भाजपा दफ्तर के बाहर घिरे सुशील कुमार मोदी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष पार्टी के लिए लोगों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आने लगी है। इसी क्रम में बीते दिन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाजपा दफ्तर के बाहर अपने ही कार्यकर्ताओं से घिरते नजर आए। पार्टी के अंदर कैंडिडेट को लेकर विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। भाजपा दफ्तर में बीते दिन कार्यकर्ताओं ने कैंडिडेट बदलने को लेकर विरोध शुरू किया था। लखीसराय से आए कार्यकर्ता ने भाजपा दफ्तर के बाहर खूब शोर शराबा किया। इतना ही नहीं उम्मीदवार बदलने की मांग भी की। कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय सिन्हा पर आरोप लगाया है कि वो भाजपा कार्यकर्ताओं के अपमान हमेशा करते रहते हैं। बिहार के उम्मीदवारों के लिए ICAI CA परीक्षा की तारीख हुई जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बिहार में उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस उन उम्मीदवारों के लिए है जो बिहार चुनाव के दौरान नवंबर में ICAI CA परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित होने वाले हैं। संस्थान द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट ICAI.org पर उपलब्ध होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में आम चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद नोटिस जारी कर दी गई है। बिहार चुनाव 28 अक्टूबर 3 और 7 नवंबर 2020 को आयोजित किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के बीच CA परीक्षा 2020 में 1 से 18 नवंबर 2020 के बीच आयोजित होने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं के साथ खड़े हुए तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं पर खास तौर पर निशाना साधते नजर आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद ही हर सियासी दल लगातार जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन यह ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार आई तो युवाओं के लिए बहुत ही फायदा होगा, जिसके तहत युवाओं को 1,00,000 नौकरी मुहैया करवाई जाएगी। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं पर फोकस कर रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 5 अगस्त को बेरोजगारी को लेकर एक पोर्टल बनाया था जिसमें 9,47,324 बेरोजगारों ने रजिस्टर किया। वहीं उन्हें 13,11,626 लोगों ने मिस्ड कॉल भी किया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निकली रिक्तियां। सरकारी नौकरी की खोज कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवार पोस्टिंग की जगह देखकर आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट से तारीख एवं जरूरी योग्यता को ध्यान में रखकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कुल मिलाकर 25 असिस्टेंट डायरेक्टर पदों के लिए आवेदन की मांग की गई है, जिसके तहत इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक पोर्टल www.epfindia.gov.in पर जाकर 2 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हो चुकी है। सीतामढ़ी में बैरगनिया बॉर्डर से नेपाली और भारतीय रुपयों के साथ पकड़े गए दो युवक। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया पथ पर सूचना मिलने के आधार पर SSB की 19वीं बटालियन के जवानों को रविवार को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत एक स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में भारतीय और नेपाली रुपये बरामद किए गए हैं। मौके पर चालक सहित दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गए लोगों में एक पूर्वी चंपारण और दूसरा सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है। सूचना पर CO अमित कुमार, थानाध्यक्ष अमिता सिंह मौके पर पहुंचे। फिर SSB बरामद रुपए, गाड़ी और पकड़े गए लोगों को लेकर हजारी मिल के पास SSB कैंप ले गई, जहां रुपयों की गिनती के बाद बरामद नोट में 7.60 लाख भारतीय और 31,12,260 रुपए के नेपाली नोट बरामद हुए हैं।
भाजपा एमएलए संजय सारवगी का एयर टिकट हुआ रद्द। लंबे समय के इंतजार के बाद 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के परिचालन की सुविधा शुरू होने वाली है। ऐसे में दरभंगा नगर विधायक संजय सारवगी ने दरभंगा से दिल्ली जाने के लिए एयर टिकट बुक किया था, लेकिन भाजपा विधायक का एयर टिकट रद्द हो गया। ऐसे में उनका सवाल है कि जब मैंने टिकट रद्द किया नहीं तो फिर मेरा टिकट आखिर आपने कैसे रद्द कर दिया। इसके लिए उन्होंने इसकी शिकायत स्पाइस जेट से भी कर दी है। उन्होंने मेल के जरिए इसकी सूचना स्पाइस जेट के अधिकारी को दे दी है। वहीं इसकी शिकायत नगर थाने में करते हुए फर्जीवाड़े का मामला भी दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय कांग्रेस के लोगों की तरफ से सोशल साइट पर और मेरी ओर से और भाजपा की छवि खराब करने के लिए पोस्ट किया जा रहा है। 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेगी निर्वाचन आयोग की टीम। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3 दिवसीय दौरे पर बिहार निर्वाचन आयोग की टीम पहुंचने वाली है। निर्वाचन आयोग सचिव की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक 7 सदस्यों की टीम बिहार दौरे पर आ रही है, जो पुलिस अधिकारी और निर्वाचित पदाधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि 1-2 दिनों में चुनाव आयोग की टीम एक बार फिर से बिहार में चुनाव कराने को लेकर समीक्षा करेगी, जिसके लिए 29 सितंबर को 7 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर पहुंचने वाली है। उत्तर बिहार में नदियों में थमा उफान। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की परेशानी उत्पन्न होती देखी जा रही थी। बारिश के थमने से हालांकि रविवार को उत्तर बिहार की नदियों में उफान की कमी देखने को मिली है। इसके बावजूद दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर में बाढ़ से जनजीवन बेहाल है। इन जिलों में 50 से अधिक गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित है। पूर्वी चंपारण में हालत खराब होने पर एनडीआरएफ ने मदद के लिए अपनी टीम भेज दी है। दरभंगा के दर्जन भर गांव में बाढ़ का पानी दोबारा प्रवेश कर गया है। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और सड़कें पानी से डूब गई हैं। ताहिने दरभंगा में भी कई गांव में पानी घुस गया है, जिसके कारण सड़कें डूब गई है। भागलपुर में प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी पर मामला हुआ दर्ज। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी पर मामला दर्ज करवा दिया गया है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना में अंचलाधिकारी राजेश कुमार के लिखित शिकायत पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सीओ राजेश कुमार ने बताया कि केबीलाल रोड नाथनगर फिर लोहे के बिजली पोल पर और प्लूरल्स पार्टी की होर्डिंग लगी थी। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल के बैनर पोस्टर का आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। तेजस्वी यादव ने बिहार में लाखों पद खाली होने का किया दावा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। वहीं बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने बिहार में राज्य सरकार की तरफ से उद्योग धंधे, निवेश, पर्यटन सुधार आदि में बड़े पैमाने पर धांधली करने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में पुलिसकर्मियों के 50,000 से ज्यादा पद खाली है। यहाँ प्रति 1 लाख आबादी पर सिर्फ 77 पुलिसकर्मी है, जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति 1 लाख की आबादी पर 144 पुलिसकर्मी का है। राज्य में 1.26 लाख पुलिसकर्मी है, जबकि 1.72 लाख पुलिसकर्मियों की है। पार्टी कार्यालय में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की गई और कहा गया है कि सरकारी पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में आनाकानी की गई है। आज तक बहाली शुरू नहीं हो पाई थी। शिक्षा क्षेत्र में भी 3 लाख शिक्षकों की जरूरत बताई है। जदयू में शामिल होने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बांधे तारीफों के पुल। जदयू में शामिल होते ही गुप्तेश्वर पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांध दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करने वाले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों से काफी ज्यादा प्रभावित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हमेशा सख्ती से काम किया है। उन्होंने मेरे किसी भी कदम पर शक नहीं किया, ना ही कभी हस्तक्षेप किया। जो जदयू जैसा चाहेगा वैसा मैं करूंगा। वहीं चुनाव को लेकर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि चुनावी मैदान में कहां से और कैसे उतरना है यह पार्टी तय करेगी। पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का डार्क पोस्टर हुआ जारी। बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का बेसब्री से उनके प्रशंसक इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस वेब सीरीज का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मिर्जापुर 2 का प्रीमियर 23 अक्टूबर को रिलीज होगा। इस वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्यांशु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, मनु ऋषि चड्डा और राजेश तेलांग नजर आने वाले हैं। इस सीरीज को एक्सेल मीडिया एवं एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है, जिसे गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई ने निर्देशित किया है। वहीं अब इसका पोस्टर शेयर किया गया है। गूगल मीट की फ्री वर्जन में अब सिर्फ 60 मिनट की मीटिंग। गूगल मीट ने अब जल्द ही टाइम लिमिट की शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार गूगल मीट के यूजर 30 सितंबर से अनलिमिटेड टाइम के लिए वीडियो मीट ऐप का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीट में फ्री वर्जन को 60 मिनट तक के टाइम लिमिट के लिए निर्धारित कर दिया गया है। अप्रैल के महीने में कंपनी ने कहा था कि फ्री प्रोडक्ट के लिए टाइम लिमिट को 60 मिनट तक के लिए सीमित कर दिया जाएगा। हालांकि 30 सितंबर से पहले तक इसे लागू नहीं किए जाने का फैसला लिया गया था, क्योंकि कोविड-19 के चलते अधिक से अधिक संख्या में लोग घर से कम ही निकल रहे थे और घर पर ही काम कर रहे थे। हालांकि अब 30 सितंबर तक लागू गूगल अकाउंट्स में से किसी भी यूजर को बिना किसी टाइम लिमिट के लोगों के साथ फ्री मीटिंग करने की अनुमति होगी।
राजस्थान रॉयल्स को बीते दिन मिली शानदार जीत। आईपीएल 2020 के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को शानदार जीत मिली है। राजस्थान ने 224 रनों के लक्ष्य को 3 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। राजस्थान की जीत में संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 85 रन मारे हैं, वहीं तेवरिया ने शानदार पारी खेलते हुए 32 गेंद में 53 रन बनाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 7 छक्के जड़े, वहीं शेल्डन कॉटरेल के ओवर में उन्होंने 5 छक्के लगा दिए, जिसके बाद मैच राजस्थान की तरफ मुड़ गया और आखिरकार उसे जीत मिली। वहीं बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने 223 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने 50 गेंद में 106 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं केएल राहुल ने 69 रन बनाए थे। हालांकि यह दोनों पारियां पंजाब के हक में नहीं गई। राजस्थान ने लक्ष्य को 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। संजू सैमसन और राहुल तेवतिया के अलावा कप्तान स्मिथ ने भी 27 गेंद में 50 रन बनाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबलू कुमार शर्मा, संदीप कुमार, अजय कुमार यादव, विकास कुमार, सुरेश शाह, विकास कुमार, विवेक कुमार सिंह, प्रियंका भारती, नेहा सिंह, विकास कुमार, बंधु झा, रणधीर कुमार पासवान, चंदन कुमार, विवेक कुमार सिंह, रविंद्र पासवान, मनोज कुमार, विजय यादव, सुदामा यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वो कौन सी जगह होगी जहां कोविड-19 संक्रमण से राहत मिलने के बाद आप अपने दोस्त या फिर रिश्तेदारों के साथ सबसे पहले घूमने जाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।